वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी फ्रेंड। इस वीडियो में हम देखेंगे माय एसक्यूएल में लेंथ फंक्शन को, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लेंथ फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं अपने माय एसक्यूएल में। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब उस स्ट्रिंग का लेंथ अगर आपको फाइंड करनी है तो हम लोग लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, आपको सिंपली लिखना है लेंथ और उसके अंदर आपको जो भी स्ट्रिंग का लेंथ का फाइंड करना है उस स्ट्रिंग को आपको लिखना है। ठीक है, अब ये टेक्निकल डिटेल्स क्या है, तो MySQL में अगर आप लेंथ फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो MySQL का जो वर्जन होना चाहिए 4.0 होनी चाहिए या तो 4.0 से अबव होनी चाहिए, उसके नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने लिखा सेलेक्ट लेंथ और मैंने वहाँ स्ट्रिंग दे दिया। ठीक है, और एज करके मैंने एक टेम्परेरी नेम दे दिया। ठीक, अब जब इसको एसक्यूएल पे आप फायर करोगे तो क्या होगा कि इस स्ट्रिंग का जो भी लेंथ होगा वो आपको फाइंड करके दे देगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरा एक कस्टमर नाम का टेबल है, अब उसमें बहुत सारे कॉलम्स है, जैसे कस्टमर का नेम है, कस्टमर का ईमेल है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि कस्टमर के नेम में जितने भी इंसर्टेड डेटा है उस सब का मुझे लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट लेंथ, उसके बाद किस कॉलम का आपको लेंथ चाहिए, तो कस्टमर नेम का, एज करके मैंने उसको एक टेम्परेरी नाम दे दिया, फ्रॉम कहाँ से, तो कस्टमर टेबल से। ठीक है, अब जैसे इसको एसक्यूएल को फायर करोगे तो इसमें कस्टमर कॉलम में जितने डेटा होंगे इंसर्टेड होंगे, जैसे मान लीजिए 10 कस्टमर के टेबल में 10 डेटा है, तो 10 कस्टमर जो नेम होंगे उनका आपको लेंथ फाइंड करके दे देगा। ठीक है, तो फिर इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने लोकल होस्ट पर अपने माई एसक्यूएल को ओपन कर लिया है। अब मैं सिंपली एसक्यूएल पे जा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर लिखना है सेलेक्ट लेंथ लेंथ चाहता हूँ, एज किया और एक टेम्परेरी नेम दिया मैंने एल नेम। ठीक है, मैं जैसे ही गो करूँगा तो देखिए फ्रेंड इस स्ट्रिंग का आपको लेंथ मिल गया है। ठीक है, अगर मैं कुछ और एडिशन करता हूँ इस लेंथ में, जैसे देखिए इस पूरे स्ट्रिंग का उन्होंने लेंथ आपको दे दिया है। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास ये यूजर टेबल है। ठीक है, अब इस यूजर टेबल में जैसे नेम के कॉलम का जो भी यूजर का नेम है, ठीक है, उसका मुझे अगर लेंथ काउंट करनी है, सॉरी फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे, तो आपको सिंपली लिखना है सेलेक्ट लेंथ, लेंथ किसका, तो नेम का। ठीक है, एज करके मैं एक टेम्परेरी नेम दे देता हूँ एल नेम, और मुझे नेम भी मैं देखना चाह रहा हूँ, तो नेम फ्रॉम कहाँ से, यूजर टेबल से। ठीक है, अब जैसे ही मैं गो करूँगा तो देखिए फ्रेंड जितने ये यूजर का नेम है और इस यूजर का लेंथ ये है। ठीक है, रंजीत कुमार का लेंथ 12 है, रमेश मेहता का लेंथ 12 है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे ईमेल का भी लेंथ चाहिए, कॉमा करना है, फिर आपको लेंथ लिखना है और किसका चाहिए, ईमेल का, और एज करके मैं एक एल ईमेल कर देता हूँ एंड कॉमा करके मैं ईमेल भी देखना चाह रहा हूँ। मैं गो किया, सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, मैं गो करता हूँ तो देखिए फ्रेंड ये नेम का लेंथ है। ठीक है, और ये ईमेल का लेंथ है। ठीक है, तो आप किसी भी कॉलम का आप लेंथ निकाल सकते हैं, यानी कि इस कॉलम जैसे नेम वाले कॉलम में जो भी यूजर इंसर्टेड है उसका अगर आपको लेंथ निकालना है तो आप इस लेंथ फंक्शन का यूज करके MySQL में उसका आप लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो
तो मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।